आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट कर लेते हैं। हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि मेरे पास एक्स कोई वेरिएबल है, ठीक है, कोई वेरिएबल है एक्स, और मेरे पास एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और a1, a2, a3, ठीक है, हमारे पास an तक ही हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल को जब मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ उसको an की पावर xn प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 डैश 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 करते हुए यहाँ पे a1 x और फिर लास्ट में a0 क्या हो जाएगा 0। मतलब हमारा, अब हम एग्जांपल से समझेंगे। हमारे पास सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो होती है एक्स की वो मेरी क्या होती है 1 होती है। जैसे 2x+3 है, ये कह सकते हैं ये सेट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है 1। 2z या 5z माइनस का 7 ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या होगी वेरिएबल की 1। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है पॉलिनोमियल उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले चैप्टर कर चुके हैं, उसी में बेस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर होगी मेरे पास एक्स की 2। जैसे ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, अगर मैं ऐसे लिखूं ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 हो उसमें एक्स हो ना हो, बट जो हाईएस्ट पावर एक्स की होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। एक और पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास क्यूबिक, जैसे हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी होगी 3 हो जाएगी या वाई की 3 हो जाएगी। वेरिएबल अगर मैं वाई ले रही हूं तो मेरे पास हाईएस्ट पावर वाई की क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है भाई। हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल हम क्वेश्चन में ले रहे हैं उसके हाईएस्ट पावर क्यूबिक मतलब 3 होनी चाहिए। लीनियर में 1 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 एंड हमारे पास क्यूबिक में 3। एक और हमारे पास आते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे उसमें करेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आप एक और आगे टर्म ऐड कर दो y4 बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो मेरी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर हो जाएगी मेरी 4। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में वो मेरी 4 हो जाएगी। ये सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से, ठीक है। क्वेश्चन हम करते जाएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। छोटी क्लासेस में 9th क्लास में आपने जीरोस फाइंड करने सीखे थे। जैसे आपको कोई पॉलिनोमियल दिया होता था 2x+4, इसका जीरो निकालना है तो हम क्या करते थे, इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेते थे। 2x = -4, एक्स मेरा आ जाता था यहां से माइनस का 2। ये हम क्या निकालते थे, हम जीरोस निकाल लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में भी हमने कर रखा है। क्वाड्रेटिक में अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है x²+3x+2 तो इसकी जीरो कैसे फाइंड करते थे वो अब हम स्टडी करेंगे। हमें सिंपल तो फाइंड करने आते हैं इसके फैक्टर्स, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के 2 को तोड़ा, 2 × 1 = 2, 2 + 1 = 3। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, इन दोनों में से हमने 1 कॉमन लिया, तो x+2 और x+1 हमारे क्या होते थे, पॉलिनोमियल हो जाते थे। अब हम थोड़ा सा आगे से केस स्टडी करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसका, इस कंसेप्ट को ही हम थोड़ा वाइड में स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। चलो सिंपल, पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाती हूँ। मेरे पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c, ये क्या इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर इसमें एक्स की 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गई। अब मेरे को जीरो निकालने हैं। सोचो ये अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, दो जीरोज निकले, एक अल्फा निकला एक बीटा निकला, ठीक है, दो जीरोज निकले हैं। अब एक रिलेशन होता है, अगर मुझे इन जीरोज का सम करना है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा बीटा, अगर मैं इन जीरोज का सम कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा कर रही हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, उसको हम लेंगे -b/a यानी कि कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ x² और ऊपर नेगेटिव कर दोगे आप, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके होगा, कॉन्स्टेंट टर्म और कॉफिशियंट ऑफ x², ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म और कॉफिशियंट ऑफ x². ये रिलेशन है। हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, हम इसमें क्वाड्रेटिक या जो भी हमने लगाना है फॉर्मूला या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के पहले निकालेंगे दो जीरोज। दो जीरोज आने के बाद पहले उनको एक बार ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे,
फिर हम रिलेशन फॉर्म करेंगे। हम यही चीज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने रिलेशन जो हमने स्टडी करना है वो अभी मैं दोबारा लिखूंगी यहाँ पे। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1x2 + 7x + 12, इसकी जीरोस निकालनी है। हमें पता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ, बता देती हूँ। 12 है और इधर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो हमेशा 1 होता है। जब भी किसी नंबर के आगे कुछ लिखा नहीं होता कॉन्स्टेंट, तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज सेल्फ अंडरस्टूड कि देयर विल ऑलवेज बी 1 देयर। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाएगा। 12 का हम लेंगे फैक्टर, जैसे ही आप 12 के फैक्टर लेंगे, आपको पता है 4 × 3 क्या होता है 12 और 4 + 3 क्या होता है 7। सो आपके फैक्टर्स फॉर्म हो गए यहाँ पे। 7x को लिख दो 4x + 3x + 12, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन ले लूं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो एक तो x + 4 x + 4 सेम आ गया, दूसरा आ गया x + 3 ये जो बचा हुआ है, यानी कि 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अब अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी। मैंने आपको अभी बताया था, पहले आप क्या करो, इसको 0 के इक्वल पुट कर लो। तो जब x + 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो मेरा x आ जाएगा -4, ऐसे ही जब इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो x आ जाएगा -3, यानी कि 2 फैक्टर आ गए, अल्फा आ गया -4 और बीटा आ गया -3, ठीक है। अब प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, अभी मैंने बताया था b/a और ऊपर माइनस आ जाएगा, -b/a, यानी कि x का कॉफिशियंट और x स्क्वायर का कॉफिशियंट और ऊपर नेगेटिव, और जो प्रोडक्ट लेते हैं वो होता है कॉन्स्टेंट टर्म और अपॉन में a, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में a कितना है हमारा 1 है, b हमारा कितना है, b हमारा 7 है, c हमारा 12 है, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर लो, -3 और -4 दोनों मिलके क्या बनाएंगे, -7। यहां से भी देख लेते हैं, b क्या है, b हमारा है 7 और a क्या है, a 1 है तो नेगेटिव 1, तो क्या आ गया -7। तो इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई कि अगर हम दोनों का सम कर रहे हैं तो -b/a के इक्वल आ रहा है। हां जी, वो बिल्कुल प्रूव होके आएगा ही आएगा। उसके बाद अल्फा बीटा कर लो, -4 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 12, क्योंकि -, प्लस मिलता है। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 12 upon 1, दैट इज इक्वल टू 12। तो ये हमारा दूसरी चीज प्रूव हो गई। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि जीरोस निकालो और रिलेशन निकालो, तो आपने सिंपल जो दो आपने जीरोस निकाली अल्फा बीटा उनको ऐड करना है, और उसके बाद -b/a आपने सम ऑफ जीरोस के इक्वल पुट कर देना है, प्रोडक्ट लेना है तो c/a के इक्वल पुट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने इक्वल, ये फुल फ्लैश आपका लॉन्ग क्वेश्चन में फॉर्म होता है, ठीक है, 4 मार्क्स में आ जाता है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, वो करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा, कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मेंशन करिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हू जीरोज आर √2 and -3/2, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, अभी तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज निकाल रहे हैं। अब जीरोज दी हुई है मतलब सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, उससे पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल फाइंड करने का, x2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, -sum of zeros (x + product of zeros). ये सिंपल हमारा एक फॉर्मूला होता है, जिसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो वो होगा x2 - α + β, यानी कि sum of zeros (x + product of zeros), यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में सम कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में सम दिया हुआ है, यानी कि मेरा अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, मेरा -3/2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या करेंगे, यहां पे पुट कर दो, x2 - √2x + α β, यहां पे क्या हो जाएगा -3/2, तो x2 हो जाएगा -√2x - 3/2। चलो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। आप 1/2 यहां पे 2 एलसीएम लो तो ऊपर आएगा 2x² - √2x - 3, ये 1/2 आप बाहर ले लो, ठीक है। तो हमारा px क्या बना, पॉलिनोमियल बन गया ये वाला, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने इसकी जीरोस निकालनी है, वो 1/2 बाहर रहने दो। अब 3 और 2 क्या होता है, 6 होता है, हमें पता है।
अगर अब मैं 3 × 2 = 6 बनाना है मुझे, और मैं 3√2 में से √2 को माइनस कर दूं तो 2√2 बन जाएगा, और वैसे भी अगर मैं 3√2 × √2 करूंगी तो 6 बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो फैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे, 3 × 2 = 6 है ना, तो 3√2 में से 2√2 माइनस, मतलब √2 माइनस होके 2√2 आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का 2√2 चाहिए, तो इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, ये माइनस का मिल, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग लगाओ, स्प्लिटिंग लगाएंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारा हाफ, बाहर ही रहने दो आप, ठीक है। तो ये बनेगा 2x² माइनस 3√2x प्लस √2x, क्योंकि माइनस का मिल रहा है ना, तो माइनस 3 में से 1 गया तो 2 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 3। अब कॉमन ले लें, ये हाफ बाहर ही रहने दो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास, आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल वाला पॉलिनोमियल था, यहाँ पे लिख के कर लेते हैं, उसको जब हम इंटरचेंज करेंगे वो क्या बन जाता है, वो हमारा फाइनल पॉलिनोमियल ये बन रहा है, हाफ इंटू 2x², ये रूट टू प्लस वाला है पहले लिख लो, ठीक है, और माइनस 3√2, तब भी तो 2√2 ही बन रहा है, ये बन रहा था। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 2 क्या होता है, 2 होता है √2 × √2, √2 क्या होता है, आधा 2, एक और आधा 2 ऐड करा तो पूरा 2 मिला, यानी कि इस पूरे 2 में से आधे 2 को बाहर ले लो और x को बाहर ले लो, अंदर बचेगा √2x प्लस 1, ठीक है यही बच रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लो, अंदर यहां भी बचेगा √2x प्लस 1, तो फैक्टर बन रहा है √2x प्लस 1 और √2x माइनस 3, ये वहां हो गया। अब इसकी जीरोस निकालनी है तो इसको इक्वेट कर दो जीरो के इक्वल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया, तो √2x प्लस 1 जब जीरो के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, √2x इज माइनस 1, x क्या होगा, माइनस 1/√2, ऐसे ही जब ये वाली चीज को पुट किया √2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो √2x हो गया 3, तो x क्या हो गया मेरा 3/√2, तो दो वैल्यूज बनी है मेरी, मेरी एक बनी है 3/√2, एक बनी है -1/√2। तो सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल फॉर्म किया जिसका फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर हमने उसके बाद क्या किया, हमने जीरोस निकाल ली, हमने वो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाया, दोबारा फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे थर्ड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, ये तो दो हमारे सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला भी सिंपल ही है, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट फॉर्म होगा। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, पी एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें यहाँ पे, पी एक्स कितना दिया हुआ है, x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, 4 और 1 के फैक्टर क्या होंगे, 4 × 1 = 4 और 4 + 1 = 5, बट मुझे माइनस 5 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस 4 और माइनस 1 ले लू, माइनस 5 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 मिल जाएगा, बन की बात। अब यहाँ पे यही वाले फैक्टर्स आप लिखो, माइनस 4x माइनस x प्लस 4, इन दोनों में से x कॉमन ले लो, और मैंने पहले भी बताया है जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो देयर इज ऑलवेज 1 कॉमन, 1 कॉमन ले लेंगे वहां पे, यहाँ पे x कॉमन ले लो, यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, अंदर बचा है x माइनस 4, सेम चीज हो गई, यानी कि x माइनस 4 और x माइनस 1 क्या हो गए हमारे फैक्टर, ठीक है। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक बार x क्या आ जाएगा 4 और एक बार x क्या आ जाएगा मेरा 1, ठीक है, यानी कि मैं लिख सकती हूँ अल्फा क्या हो गया 4 और बीटा क्या हो गया 1, ठीक है। अब 1/अल्फा यानी कि 1/अल्फा मुझे क्या निकालना है, मुझे यहां निकालना है अल्फा 4 आ गया, बीटा 1 आ गया, ठीक है, स्प्लिटिंग करी हमने सिंपल। अब मुझे निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2/अल्फा बीटा, ये निकालना है, ठीक है। 1/अल्फा मैं लिख सकती हूँ 1/4, 1/बीटा 1/1 तो वही रहेगा, 2 × 4 × 1, 1/4 प्लस 1 - 8, ये हो गया। अब यहाँ पे आप एक काम करो, 4 को एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे पहले कर लो 1/4 - 7, ये हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1, एलसीएम लिया, ये आएगा 28,
28 में से 1 गया 27 और माइनस आएगा तो आंसर आएगा -27/4. सिंपल इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अल्फा बीटा निकालते हैं, 1/α 1/β. कभी कभी इस टाइप के भी आ जाते हैं, 1/α² निकालो, 1/β² निकालो, ठीक है, -1/α/β. कुछ भी पुट करना आएगा, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, विद इन सेकेंड्स आपका क्वेश्चन फ्रेम होके निकल आएगा. ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम ये और करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. कोई डाउट है तो प्लीज आप मेंशन करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.